खबर शामिल करते हैं चंडोलियार से, जहां डिप्टी कमिश्नर चंडोलियार की जानिब से ज़िले में नए हदबंदी के सिलसिले में एक इश्तहार शाया किया गया, जिसमें दही इलाकों को शहरी हदूद में शामिल किए जाने और नई बनाई जाने वाली हल्काबंदियों को हुक्मरान जमान की साजिश करार देते हुए इन्हें अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया गया। गुज़िश्ता 5 सालों में म्यूनसिपल कमेटी चंडोलियार में कोई तरक्याती काम ना हो सका और ना ही इसमें सड़कें हैं, ना ही पानी की निकासी, आपका कोई निज़ाम। मौजूदा सिंध हुकूमत की एक साजिश के तहत शहरी इलाकों को अकलियत में तब्दील करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है, जिसको किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। इन ख्यालात का इजहार मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सिंध तंजीमी कमेटी के मेंबर और साबका यूसी नाजम हक नवाज कायम खानी और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चंडोलियार मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान रईस खानजादा ने नेशनल प्रेस क्लब चंडोलियार से मीडिया पर बात करते हुए कहा कि उर्दू बोलने वाले लोगों के हकूक पर डाका डाला जा रहा है। यह हल्का बंदियाँ उर्दू बोलने वालों के खिलाफ बड़ी साजिश है। मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में हर सतह पर इस काले कानून को दफा करने के लिए ज़िले में नई हल्का बंदियों और दही इलाकों को म्यूनसिपल कमेटी चंडोलियार में शामिल करने पर एतराज़ात भी डिप्टी कमिश्नर चंडोलियार के पास जमा करवा चुकी है। हमारी जमात समझती है कि ये शहरियों के हकूक पर डाका है, जिसे हम मुस्तरद करते हैं और हम अंधे कानून को नामंजूर कहते हैं।